वेलकम टू गौतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। जिन्होंने अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम बताने जा रहे हैं कि उत्तराखंड में जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2019 है, उसमें क्या होने जा रहा है। बड़े दिनों के बाद मैं आपके बीच आया हूँ, क्योंकि किसी कारणवश मैं आपके बीच नहीं आ पाया हूँ। देखिएगा, उत्तराखंड में जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ गई है कि बीएड को वर्षवार रखने जा रही है सरकार। क्या है हकीकत, क्या है पूरी, आइए देखते हैं क्या हो पाएगा बीएड वर्षवार, और किसको इसमें फ़ायदा होगा, किसको यहाँ पर नुकसान होगा, और किसका यहाँ पर नंबर आएगा कौन से ईयर में, आइए देखते हैं। देखिए होता क्या है, दिसंबर जनवरी में उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। उसमें उस नोटिफिकेशन में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि उसमें ये लिखा गया था कि विद्यार्थी जिन्होंने उत्तराखंड से स्टडी किया है, पढ़ाई किया है, वही यहाँ उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। तो इन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और अप्रैल और मई में दोबारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया था कि जिस कारणवश विद्यार्थियों ने अगर जो इस फॉर्म को भरा नहीं है, तो वो दोबारा इससे भर सकते हैं। ठीक है, रूल वही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये बताया दिया गया था संशोधित नोटिफिकेशन में। और उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन में केवल इस बात का बताया गया था कि जो मेरिट होगी वो TT के नंबर के बेस के आधार पर होगी। ये पहले से बताया गया था। बीएड को वर्षवार किया जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है हो रही है, बीएड को यहाँ पर वर्षवार किया जा रहा है। जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं, इनके लिए कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डीएलएड को यहाँ पर प्रथम वरीयता दी जा रही है। अगर बीएड के विद्यार्थी अगर वर्षवार होके भी आते हैं, तो सबसे पहले डीएलएड वालों को ही यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, तब जाके आपको बीएड विद्यार्थियों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 2011 से लेके 2018 तक की संख्या अगर हम उत्तराखंड में देखें बीएड अभ्यर्थियों की, तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें पूरा जो नुकसान होगा, जो होगा वो योग्य अभ्यर्थियों का होगा, जो कि उत्तराखंड TT और CTET को क्वालिफाई करके आए हैं। तो प्रॉब्लम उनको ही होगी, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप वर्षवार करने जा रहे हो, तो जो योग्य विद्यार्थी होते हैं, तो उनका यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्या है, नुकसान होगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। बीएड को वर्षवार किया गया तो हो सकती है समस्या, क्या हो सकता है। यदि सरकार बीएड को वर्षवार करती है, तो इस भर्ती में तो अभी तक चल रही, आगे जाकर जो भी होने जा रही, ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, क्योंकि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते, ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। मैं आपके बीच एक ऑर्डर ला रहा हूँ जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि खेल शुरू होने के बाद आप खेल के नियम बीच में नहीं बदल सकते हैं, ये इनका कहना है। मैं आपको बता देता हूँ, जूम करके रुकिए 2 मिनट, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द गेम इज ओवर, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का कि आप खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। मेरा कहना है कि अगर एक बार नोटिफिकेशन जारी होता है, क्वालिफाई नंबर वो रखे जाते हैं, वहाँ पहले से बताया गया होता है कि इसके आधार पर आपका जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो पूरी करवाई जाएगी। और अगर बाद में ये चीज़ें ब्रेक होती है, बाद में कोई चीज़ संशोधित होती है, तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे प्रॉब्लम होगी। दूसरा यहाँ पर आपके बीच है कि राइट टू एजुकेशन इज राइट टू क्वालिटी एजुकेशन से द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लगभग 1,70,000 जो शिक्षा मित्र हैं UP में, उनको हटा दिया गया था, क्योंकि उनके पास टीचर बनने की योग्यता था नहीं, क्योंकि वो 12th पास करके ही आए थे। उस टाइप की जब 19 की बात अगर हम करें, तो उस प्रकार की जो सरकार थी, उन्होंने 12th पास विद्यार्थियों को यहाँ पर शिक्षा मित्र के उसमें पोस्ट में डाल दिया था, बाद में उनका उन्होंने समायोजन करवा दिया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन इज द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो एक क्वालिटी एजुकेशन की भी बात कीजिए, एक अच्छे टीचर की यहाँ पर बात हो रही है, तो इनको हटा दिया गया था। बाद में राज्य सरकार ने उनको रख दिया गया, 2 भर्ती में इनको मौका दिया है। ठीक है, तो इससे 2 बात निकल के आती है इस पूरे उससे, कि यदि यदि विभाग बीएड को वर्षवार रखता है,
ठीक है, अगर वही चाहता है कि बीएड को वर्षवार रखे तो अगर भर्ती प्रक्रिया करवाता है पूरी, तो पहले नोटिफिकेशन को रद्द करना होगा। जितने भी उसके अभी तो नोटिफिकेशन है उसको रद्द करके दोबारा नोटिफिकेशन जारी होगा और बीएड को यहाँ वर्षवार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाया जा सकता है। हमारा कहना है कि अगर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाना है तो नोटिफिकेशन को यहाँ पर रद्द होगा, और रद्द होने के बाद दोबारा यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, तब जाके ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। या दूसरी चीज़ ये है कि नोटिफिकेशन पहले से बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें पहले से बताया गया है कि टीटी के नंबर के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर्स की बात रखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी खबर है जो कि आप देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो होगी दोस्तों कि अगर सरकार ये चाहती है तो देखते हैं आगे क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, गौतम एकेडमी के साथ। थैंक यू।